हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आज का व्लॉग हम यहाँ से स्टार्ट करते हो। देखिए, अभी हमारी जो मेड है काम वाली, वो आई नहीं है और अभी दोपहर के 12 12:30 बज रहे हैं। मौसम अच्छा है इसलिए ऐसा पता नहीं चलता कि दोपहर है। और यहाँ पर मेरा जो भतीजा है राहिल हुसैन, वो इस तरह से वीडियो शूट करा है। और ये मैं बातें करी हूँ, जो मेरी मेड थी पहले वाली, वो अभी दो तीन दिन से काम पे नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि उसको बोलो कि क्यों भाई काम पे नहीं आ रहे हो, हम लोग पैसे वगैरह आपको नहीं देते। फिर उसने बोला कि भाई हमने तो एक महीने के लिए काम बांधा था। मैंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं किसी और को बुला लेती हूँ। फिर हम यहाँ से निकल रहे थे, वो यहाँ पर ही उनके घर है, वो झोपड़पट्टी वगैरह है वहाँ पर ही। तो मैंने सोचा कि चलो उनको वहाँ से बुला लेती हूँ। फिर मेरे भतीजे ने बोला कि चलो चाची माँ हम शूट भी करते। मैंने कहा ठीक है चलो शूट कर लो तुम। फिर यहाँ से थोड़ा थोड़ा छोटा है हमारा, मेरा भतीजा, तो वो कैमरा इस तरह से थोड़ा बहुत ज़्यादा हिला रहा था। फिर मैंने यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, सॉरी गाइस, आपको डिस्टर्बिंग हो रही होगी देखने में थोड़ी। फिर मैंने यहाँ से देखा, देखिए यहाँ पर कितने सारे झोपड़पट्टी है, मतलब यहाँ पर सारे लोग रहते हैं और यहाँ के लोग बिल्कुल काम ही नहीं करते। फिर मैं उसको लेकर चल रही थी, यहाँ से जा रही थी, तो फिर हमको वहाँ पर क्या मिला पता है? वो आते ना बारिश के मौसम में, मोती मोतीड़े बोलते हैं उसको, हम उसको बचपन में मोती मामा बोलते थे। तो देखिए इस तरह से मुझे मिला, तो मैं उसको लेकर के आ गई। मैंने सोचा इकरा और जो मेरी भतीजी है वो उससे खेलेंगे, वैसे ये कुछ मतलब हार्म नहीं पहुंचाता है हमको, मतलब काटता करता नहीं है। हम छोटे थे जब बारिश के मौसम में ये बहुत ज़्यादा आते थे, तो हम लोग क्या बोलते थे, इस तरह से जब हम उसको टच करते हैं तो वो डर जाते हैं, तो वो ऐसे बंद हो जाते हैं। तो हम उसको ओपन करने के लिए ये बोलते थे कि मोती मामा दरवाज़ा खोलो। आप लोगों में से भी कभी किसी ने इस तरह से बोला हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जैसे ही मैंने इस तरह से बोला कि मोती मामा दरवाज़ा खोलो, तो ये देखिए इस तरह से ये चलने लगा। और मुझे ना अभी तो इससे थोड़ी डर भी लग रही थी, जब छोटे थे बचपन में तो इतना खेलते थे, उसको ऐसे माचिस की डिब्बी में मिट्टी के अंदर रखते थे और इतने बड़े बड़े वाले होते थे, जब इतनी डर नहीं लगती थी, तो इससे हम ऐसे खेल रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ, भाभी ने, मेरी जेठानी ने कुछ पोर्टेबल जूसर मशीन मंगाए हुए थे, मैंने सोचा आपको बता दूँ। वैसे ये फ़्लिपकार्ट और अमेज़ोन पे इसकी प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई है, 600 700 के नीचे इसकी प्राइस नहीं है। तो यहाँ पर भाभी ने जो ज़्यादा पीस मंगाए थे, तो इसकी प्राइस है ओनली ओनली 400, यानी कि 400 रुपये में आपको ये पीस पड़ जाएगा। उसके जो कलर है वो बहुत अच्छे अच्छे कलर थे, तो मैंने सोचा चलो भाभी हम लोग इसकी भी वीडियो एक शूट कर लेती हूँ मैं, आप लोग दिखा दिए। अगर आपको इस टाइप से कुछ ऑर्डर करना हो, बल्क में भी ऑर्डर करना हो, तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, कमेंट सेक्शन में मैं आपको मेरा नंबर दूंगी, आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको बल्क में भी ज़्यादा पीस चाहिए तो मैं आपको इस आपके घर पर डिलीवर कर दूँगी। और इसके सिर्फ शिपिंग चार्ज आपको अलग लगेगा। इसके कलर बहुत बढ़िया बढ़िया थे, देखिए पिंक है, ग्रीन है और पर्पल कलर है, बहुत ज़्यादा सब के सब बिक गए। और उसके बाद एक और पार्सल आया था, जबकि मैंने मीशो से मंगाया हुआ था ये पार्सल, ये बहुत अच्छा है, ये जब हम किचन में काम वगैरह करते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है, हमको हर चीज़ की आसानी हो जाती है। जब छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कटिंग करते हैं हम, जैसे लहसुन है प्याज है, हमको कटिंग करना होता है, वो हमको बहुत दिक्कत होती है और खाना पकने में बहुत देर हो जाती है। तो इस तरह से मेरा कस्टमर का पार्सल था, तो मैंने यहाँ पर मंगा लिया था। तो मैंने सोचा चलो इसको भी ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। इस टाइम से आपने देखा होगा कटर है, मिलता है यहाँ मीशो पे, तो इसकी प्राइस तो मैं आपको बता देती हूँ, सिर्फ ये दो मिले थे मुझे कितने में, 203 में, इतना अच्छा रिजनेबल ऑफ़र था। तो फिर मेरे कस्टमर ने ऑर्डर किया, तो फिर मैंने वहाँ से मंगा लिया। मैं बता दूँ पहले मैं एक रीसेलर भी हूँ, तो मैं यहाँ से मेरे जितने पार्सल आते हैं मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करती हूँ। इस तरह से उसको ऐसे खींचते हैं तो इस तरह से वो कटर चलता है, तो आपके जो प्याज वगैरह है या फिर आपको सलाद करना है तो इस तरह से ईज़िली आपको बहुत ईजिली हो जाएगा। अगर मेहमान वगैरह आते हैं, अगर आपको पोटैटो के चिप्स करने हो तो ये भी बहुत ईजिली इसमें हो जाता है। तो इन्होंने ये दो मंगाए थे, ये दो का सेट था 203 रुपये में, और शिपिंग चार्ज तो पता है आपको फ्री ही होता है। मीशो की बहुत सी कुछ चीज़ें हैं, उसकी क्वालिटी बेस्ट एंड बेस्ट है। और फिर मैं आई थी मम्मी के घर, यहाँ पर मम्मी ने प्रोग्राम किया था कि हम बिरयानी बनाएंगे, तो देखिए बिरयानी के लिए यहाँ पर हमने चिकन लिया है और चिकन बहुत अच्छा है, इसकी जो लेग पीस है वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो फिर मैंने यहाँ पर शूटिंग करना शुरू कर दिया, तो इस तरह से जो मेरी सिस्टर है वो इस तरह से चिकन को धो रही है, क्योंकि चिकन को अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी है, जबकि उसका सारा जो गंदा पानी है वो निकलना ज़रूरी ही होता है। तो इस तरह से बिरयानी के लिए हम लोग इस चिकन को धो रहे थे अच्छे से, मैंने बोला अच्छे से धो वरना उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आती है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से
फिर हम उसको प्रेशर कुकर में डाल के 3 से 4 सीटी बजा लेंगे, क्योंकि जब भी मम्मी बिरयानी बनाते हैं तो जो चिकन होता है उसको पहले बॉईल कर लेते हैं, उसी क्या होता है ना, जल्दी जल्दी हर चीज़ जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पर मैं बहुत ही इजीली और आसान तरीके से आपको बताऊंगी कि हम लोग किस तरह से बिरयानी बनाते हैं, वो भी बेस्ट एंड बेस्ट। आप देखकर ही बताना कि हमारी बिरयानी कैसी बनी है। तो चलो इस तरह से, तो हमने तो चिकन को बॉईल करने के लिए रख दिया, यहाँ पर हमने पानी चढ़ाया हुआ था, और मैं आपको मसाले दिखा देती हूँ। यहाँ पर है, देखिए, ये बिरयानी का मसाला है, ये ग्रीन चिल्ली पेस्ट है, ये रेड चिल्ली पाउडर है, ये हल्दी है, ये अदरक लहसुन पाउडर है, सॉरी पेस्ट है, और ये नमक है। इस तरह से कुछ ज़्यादा ही प्याज हमको चाहिए, और ये कोरिएंडर और पुदीना है, यानी कि हरा धनिया और पुदीना है। इस तरह से ये सारे मसाले होते हैं सिर्फ नॉर्मल। तो हम नॉर्मल तरीके से बिरयानी बनाएंगे। यहाँ पर इस तरह से हमने बिरयानी के राइस लिए हैं, जो कि बिरयानी के स्पेशल राइस होते हैं, ये बासमती राइस है, बिरयानी के ही होते हैं, जब भी बनाते हैं तो हम यही राइस यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये देखिए, राइस को हमने उबालने के लिए, सॉरी बॉईल करने के लिए रखे हैं। यहाँ पर इस तरह से राइस बॉईल हो जाएंगे, और यहाँ पर हमने ये पतीला लिया है, ये पुराना पतीला है, इसलिए कुछ इस टाइप से दिख रहा है, क्योंकि ये ना हमारे दादी के टाइम का पतीला है, इसमें ही हम अच्छी जो बड़ी चीज़ बनाते हैं कुछ भी, तो इसमें ही बनाते हैं। तो यहाँ पर मम्मी देखिए इस तरह से ऑयल डाल रहे हैं, क्योंकि ऑयल हमको यहाँ पर ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर जो हमारा प्याज है उसको हम ऐसे फ्राई करेंगे, इसलिए हमको इसमें ऑयल तो चाहिए ही। तो इस तरह से हमने हमारे हिसाब से ऑयल लिया है, आप अपने हिसाब से ऑयल लीजिए। ये बिरयानी ज़्यादा लोगों के लिए नहीं बन रही है, मतलब 5-6 लोगों की जितनी ही बिरयानी बन रही है। तो ये देखिए, हमने जो अनियन है, हमारी प्याज है, उसमें हमने थोड़ा ज़ीरा डाल दिया है, और ये हमने फ्राई करने के लिए इसमें तेल में डाल दी है। हम इसको अब फ्राई करेंगे, इसको प्रॉपरली ब्राउन फ्राई करना है। आपको बिरयानी बनाना आता होगा तो आपको पता ही होगी। तो इस तरह से हमारी प्याज है, उसको हम इस तरह से फ्राई करेंगे, देखिए। तो इस तरह से आपको इसको ब्राउन कलर में फ्राई करना है अच्छे से इसको। और हम क्या करेंगे, आधा जो हमारा अनियन है ब्राउन, वो हम निकाल लेंगे, और बाकी के जो मसाले हमने लिए थे वो इसमें डाल देंगे, और हमको अच्छे से मसाले को भूनना है। और मसाले अच्छे से भून कर इसमें थोड़ा हम पानी डालेंगे, और अच्छे से वो मसाले को हमको भूनना होता है। और जो हमारा चिकन का जो पानी बचा हुआ था वही इसमें हम ऐड करेंगे, क्योंकि उसका जो स्वाद है वो बहुत ही अच्छा आएगा जो चिकन का पानी अब यूज़ करेंगे। तो ये हमारा जो बॉयल चिकन है, अब मैं उसमें ऐड करूँगी। और ये देखिए, ये हमारे पास दही है, अमूल दही लिया है हमने, ये हमारे राइस भी बॉयल हो चुके हैं, और ये है फूड कलर। अभी मेरे पास ग्रीन कलर अवेलेबल नहीं है, तो ये सिर्फ रेड कलर ही है फूड कलर में, ये रेड वाला अवेलेबल है। यहाँ पर हमारा जो मसाला है वो भुन चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। तो इस तरह से हमारा जो मसाला है वो भुन चुका है, और जो हमारा बॉईल किया हुआ चिकन है, बचा हुआ प्याज है, जो हरा धनिया है और पुदीना है, वो सब हम इसमें ऐड कर देंगे। और जो हमारा अमूल का जो दही है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अभी हमने सिर्फ एक ही डिब्बी डाला है, क्योंकि फिर वो ज़्यादा हो जाएगा तो वो पानी छोड़ देगा, तो इसलिए हमने इसमें एक ही डिब्बी कर्ड डाला है। और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। ये देखिए, इस तरह से आपको इसको मिक्स करना है। तो जो हमारा फूड कलर था उसको मैंने पानी में ऐसे घोल लिया है, मिला दिया है। और अब हम क्या करेंगे, हमारे जो राइस है वो बॉईल हो चुके थे, उसको हमने ड्राई करने के लिए रखा हुआ था, अब हम उसको ऐसे उस पे मसाले पे ऐसे बिछा देंगे, हम लेयर टू लेयर बिछाएंगे, और उसके बाद हम उसके ऊपर कलर ऐड करेंगे। तो इस तरह से आपको इसमें कलर ऐड करना है। वैसे हम एक लेयर पे ऑरेंज कलर डालते हैं, और दूसरी सेकेंड लेयर पे हम ग्रीन वाला कलर डालते हैं, बट अभी ग्रीन वाला जो फूड कलर है वो अवेलेबल नहीं है, तो हम सिर्फ अभी ये ऑरेंज वाला ही कलर इसमें ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमने राइस की 2 लेयर बना दी है। आप चाहो तो राइस और जो चिकन मसाला है उसके बाद भी राइस की 2 अलग अलग लेयर भी बना सकते हो, आपको जिस तरह से अच्छा लगे उस तरह से आप कर सकते हो। तो देखिए, इस तरह से हमने राइस के ऊपर फूड कलर भी लगा दिया है। तो अब हमारी जो चिकन बिरयानी है वो रेडी है, आप देख सकते हो, बहुत ही टेस्टी एंड बहुत ही यम्मी बनी है।
बहुत अच्छा इसका स्वाद है। आप भी इस तरह से ट्राई कीजिए, घर पे बनाई है और सबको खिलाई है। आज का व्लॉग मेरा यहाँ से मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अब हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।